वाड़ी के जिंदल स्कूल के साथ साथ अन्य स्कूलों की मनमानी। छात्राओं ने अन्य गतिविधियों के शुल्क नहीं भरे तो किया ऑनलाइन ग्रुप से लिफ्ट। स्कूल में पालकों ने जमा कर संस्था से विनंती की भीख मांगी है। कोविड-19 में भारत पूरी अवधि में पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं। जब सरकार ने घोषणा की कि कंपनियों का वेतन कम किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कई बड़े और छोटे व्यवसायों पर परिणाम होते जा रहा है। वैसे ही एक तरफ सरकार छात्राओं की फीस माफ करने के लिए बोल रही है, दूसरी तरफ शहर के कुछ स्कूल छात्राओं से अन्य गतिविधियों की फोकट की शुल्क जमा करने पर लगी हुई है। कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करने की प्रथा पर आपत्ति जताते हुए पालकों ने जमाव कर कहा कि यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और मांग की गई कि अन्य गतिविधियों का शुल्क माफ किया जाए। इस वर्ष भी कुछ पालक अन्य स्कूलों की तरह ही स्कूल प्रबंधन में बदलाव कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही हर साल 10% शुल्क बढ़ाने के बावजूद अतिरिक्त समय में कोरोना कार्यकाल में पालक के लिए शुल्क जमा करना मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त स्कूल फीस के बारे में अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए सभी पालकों ने स्कूल में 22 सितंबर 2020 को स्कूल संचालक एवं प्रबंधन से संपर्क कर अन्य गतिविधियों के शुल्क माफ करने की कोशिश की। पालकों ने जिंदल पब्लिक स्कूल में जमाव कर इन सभी समस्याओं के विषयों पर चर्चा भी की। मजदूर पालकों के लिए स्थिति बिल्कुल दयनीय है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोरोना कार्यकाल में पालकों की नौकरी खतरे में होने के बावजूद भी बच्चों को इतनी फीस भरना गलत है। अन्य गतिविधियों की शुल्क नहीं भरी तो छात्रा ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे और छात्राओं को ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, जो कि बहुत ही गलत है। शुल्क जमा नहीं किए तो छात्रा ऑनलाइन क्लास में प्रवेश नहीं दे पाएंगे, ऐसा पालकों ने बोला है। इस संदर्भ में पालकगण इकट्ठा हुए और स्कूल पर भड़के। कोरोना कार्यकाल में भी यह सब स्कूलों की मनमानी सरासर गलत है। जिंदल पब्लिक स्कूल में तकरीबन 30 से 50 पालकगण उपस्थित थे। पालकों ने निवेदन कर छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस में प्रवेश करने की मांग संस्था के सचिव से की। ये हमारे जिंदल पब्लिक स्कूल है, यहाँ हम सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग फीस भरने को तैयार है। स्कूल में पिछले 6 महीने से स्कूल बंद है, फिर भी हम यहाँ आ रहे हैं पेरेंट्स पूरे इकट्ठे होकर कि फीस भर दिया जाए। पूरे 6 महीने का हम लोग फीस भरने को तैयार है, लेकिन यहाँ के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी है वो कह रही है कि पहले आप अदर एक्टिविटीज भरे 3,500-4,000 रुपए, जबकि आप सभी को पता है पिछले 6 महीने से कोई स्कूल नहीं चालू है, कोई अदर एक्टिविटीज नहीं हो रही है। अदर एक्टिविटीज छोड़िए, यहाँ पे आप देख लीजिए कोई प्लेग्राउंड है क्या? एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। बीच में एक घर है, उसके बाद इनका एक स्कूल है, वो उसको प्लेग्राउंड बना के रखा है इन लोगों ने। उस पर लिखा था प्ले स्कूल लिखा हुआ है उसके ऊपर, जबकि यहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं होता है और हर साल ऐसी अनावश्यक पैसा लिया जाता है पेरेंट्स से 3,500-4,000 रुपए। हम लोग फीस भरने को तैयार है, इस कोविड सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में हम फीस भरने को तैयार है, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं कि हम आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल देंगे। बहुत से पेरेंट्स के बच्चों को आज एग्जाम नहीं देने दिया गया। फीस भरने आई क्योंकि वो गांव में है अभी, इसलिए मैं फीस भरने आई हूँ। इसके पहले भी 1 महीना पहले मैं फीस देने आई थी, इन्होंने एक्टिविटी फीस मांगी थी 3,700 रुपए और मैं मंथली फीस भरने के लिए रेडी थी। तब भी मैंने इनको बोला था कि मैम वी आर टेकिंग अ फीस एक्टिविटी फीस, बट दे आर नॉट रेडी टू मंथली फीस टेकिंग अ रेडी मंथली फीस एंड दे वांट टू फीस ऑफ एक्टिविटी फीस। तब मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, नेक्स्ट ईयर दूंगी, जब स्कूल शुरू होंगे तब दूंगी एक्टिविटी फीस, मंथली फीस अभी ले लो। इन्होंने बोला मेरा फॉर्म मतलब रिटर्न कर दिया और फीस नहीं दिया। आज मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे सभी पेरेंट्स मिलके दिखे कि सभी पेरेंट्स ये रेडी मंथली फीस भरने के लिए रेडी है बट एक्टिविटी फीस नहीं देने के लिए रेडी, क्योंकि स्कूल बंद है और स्कूल एक्टिविटी फीस कोई कर नहीं रहा है, इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, फिर भी ये लोग मंथली फीस नहीं ले रहे। मेरी लड़की जिंदल पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो मैं पिछले 2-3 दिन से ट्यूशन फीस देने के लिए यहाँ कंपलसरी आ रहा हूँ। तो मुझे पहले एक्टिविटीज़ फीस भरने के लिए फोर्स कर रहे हैं और आज लड़की का एग्ज़ाम चालू था तो लड़की को बीच एग्ज़ाम से लेफ्ट कर दिया है। मैं फिर भी उनको रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि ट्यूशन फीस मैं अभी दे सकता हूँ, एक्टिविटीज़ फीस नहीं दे सकता। तो मुझे जिंदल सर बोल रहे हैं कि आप पोस्ट डेटेड चेक दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास चेक नहीं है, मैं एक MIDC में वर्कर हूँ, मेरे पास चेक अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई पहले आप चेक के लिए अप्लाई करिए, चेक आने के बाद में आपके लड़की को ज्वाइन किया जाएगा, पर बिना चेक दिए आपसे ट्यूशन फीस नहीं ले रहे।
तो ये कहाँ तक सही है? आप सभी ग्रुप वाले और सभी मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा भी बच्चा 10th में है, आज उसने मेरे को, मैं नहाई भी नहीं उसने भेजा, क्योंकि वो बोल रही थी अगर फीस नहीं भरी तो मेरे को एग्जाम देने में नहीं बोल रहे, इसलिए मैं आई लेट किया, लेट करने के लिए बोल रहे थे, अभी उसको किया नहीं किया, मैंने मोबाइल नहीं लाई घर से, तो यहाँ पे आई तो सब पेरेंट्स यही प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो हम एक्टिविटी फी भरने के लिए असमर्थ है, एक्टिविटी फी हम क्यों भरें? स्कूल बंद है, उसमें आपका कोई कर्मचारी का ये नहीं जा रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, आपका फिल्टर बंद है, सब बंद है, तो एक्टिविटी फी क्यों चाहिए आपको? अगर चाहिए भी तो आप सब जब चालू करेंगे उस दिन हम भरेंगे, अगर चालू जिस दिन स्कूल चालू करेंगे हम नहीं भरेंगे, हमारे बच्चों का एग्जाम देने मत बोलिए, अगर नहीं भरेंगे तो जब चालू होंगे तब हम भरेंगे, अभी हम मंथली फी भरने के लिए 1200 रुपए तैयार है। पालक समस्या को लेकर उपस्थित हुए, समस्या पर निवारण करने की जिम्मेदारी है, हम संस्था की कमेटी बुलाकर समस्या छुड़ाने का प्रयत्न कर समस्या निवारण करेंगे। हाँ, मैं पवन जिंदल, जो पेरेंट्स ने जो बताया है मुझे वो हमने सॉल्व कर दिया, उनके हिसाब से जैसे बोले उन्होंने उसके हिसाब से हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक कल कर देंगे। तो ये पूरी समस्या का सर निवारण हो जाएगा आपके हिसाब से? 100% हो जाएगा, 100%। मैं इनसे बोला हूँ कि थोड़ा सा आप मेरे को, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या है, संस्था होती है ना, थोड़ा मुझे भी संस्था की कमेटी बैठा कमेटी होती ना, तो उसके लिए मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, कल इसमें कुछ भी दिया। और सर वो समस्या जो है वो तो बड़ी समस्या नहीं है, कोई जो समझ नहीं आ रही थी, ना समझी की समस्या है, भी हमने बोला था भी आप लोग चेक दे दीजिए, आपकी सुविधा के अनुसार उसको बढ़ाना है वो अपने हिसाब से बढ़ा सकते, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जो सुविधा है ना सर वो बड़ी सुविधा, मतलब बड़ी कोई समस्या नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स इंटरनल बैठ के भी कर सकते। इन बीच न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।